हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीए दिव्या अग्रवाल और आज हम अपने इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास, अब आप देखोगे कि डिपार्टमेंट से बहुत सारे नोटिसेज आ रहे हैं, अननेसेसरी अनड्यू कह लो या फिर एक्चुअल में जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ नोटिसेज आ रहे हैं। अब आप सोचोगे कि मैं बहुत सारे कंप्लायंस कर रहा हूँ, टाइमली रिटर्न्स भर रहा हूँ, बट मैं फिर भी अपने आप को इन नोटिसेज से कैसे बचाऊं, क्या किन बातों का मैं ध्यान रखूं, या अगर नोटिस आ जाए तो उसके बाद मैं किन बातों का ध्यान रखूं ताकि मेरी ये जो प्रोसीडिंग शुरू होते हैं या समन के रिस्पेक्ट में जो मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं वो एक ही बारी में मेरे सही हो जाए और मेरी प्रोसीडिंग जल्दी ड्रॉप हो जाए और मेरे पे अननेसेसरी पेनल्टी या इंटरेस्ट एक्सेट्रा ना आए। तो बेसिकली उन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। आज के सिनारियों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे नोटिसेस डिपार्टमेंट की साइड से आ रहे हैं। जो आपने पहले रिटर्न्स भरी है, 9, 9C, TRAN 1, आपके अलग से आपके ऑडिट्स हो रहे हैं, काफी सारे इस तरह के नोटिसेस जो आ रहे हैं, उन सभी के रिस्पेक्ट में ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बट बिफोर दैट, अगर आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट ईयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर GST वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जहां मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड्स के बारे में और जो बाकी GST अपडेट्स हैं उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। दोस्तों, अब आते हैं हम अपने जो मैंने आपसे बात किया है उसके पॉइंटर्स पे। मैं आज आपको 10 पॉइंटर्स ऐसे मेन देने वाली हूँ जिनका आप ध्यान रखोगे तो फॉर श्योर आप पे नोटिस आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और इन केस अगर आएंगे तो बहुत अर्ली स्टेजेस पे ही वो ड्रॉप हो जाएंगे बिकॉज आप बहुत कंप्लायंट रहोगे GST के प्रोविजन को लेकर। बिफोर मूविंग टू दिस, आपके जो भी रजिस्टर्ड प्रमाइसेस हैं आपको GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर श्योर वहां पे लगाना होता है। अगर आप नहीं लगाते हो और ऑफिसर आते हैं तो आपके ऊपर पेनाल्टी आ जाएगी। तो इट इज बेटर कि जहां से भी आप ऑपरेट कर रहे हो वहां पे आपका GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए। तो दोस्तों, अब आगे आते हैं। देखिए, जो 10 पॉइंटर्स की हम बात कर रहे हैं, सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है वो आता है आपका ITC रिकंसिलिएशन। हमेशा ही मैं अपने हर एक वीडियो में ये बात करती हूँ कि आपकी ITC जो है ना, बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है GST के लिए। अगर आप ITC सही से नहीं मेंटेन कर रहे हो, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप सही से ले नहीं रहे हो, एक्स्ट्रा ले रहे हो, गलत ले रहे हो, उसके जो कंप्लायंस है, उसके जो आपके बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अगर आप वो नहीं रख रहे हो तो आप पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो बेटर क्या है कि आप ITC रिकंसिलिएशन करो मंथली, ईयरली, एज वेल एज एट वेंडर एंड इनवॉइस लेवल्स। दैट मींस अगर आप से सपोज 10 वेंडर से डील कर रहे हो, हर वेंडर के लेवल पे कितने उसने इनवॉइस रेज करे हैं, क्या वो आपके इनवॉइस आपके बुक्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्या आपने बेसिस दैट सारा इनपुट सही ले रखा है, कम नहीं ले रखा है, वो सब आपको रिकनसाइल करना पड़ेगा। और अब जब आप मंथली रिटर्न्स भर रहे हो 3B या 1 की, तो इट इज अ बेटर प्रैक्टिस कि आप मंथली बेसिस पे ही उसको रिकनसाइल कर लो। जो इनवॉइसेस आपके रिकनसाइल नहीं हुए, आप फॉलो अप करो अपने सप्लायर से और नेक्स्ट मंथ में इंश्योर करो कि वो इनवॉइसेस आपके रिकनसाइल हो जाते हैं, ताकि आपके जो मिसमैच को लेके जो नोटिसेस आ रहे हैं ना वो नहीं आए आपके ऊपर। और इन केस अगर आते हैं तो आप उसको जस्टिफाई करा दो कि भाई मेरे फॉलो अप के बाद नेक्स्ट मंथ में ये रिफ्लेक्ट कर गया और बेसिस दैट मैंने इनपुट अपना लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड मेजर पॉइंट क्या आता है, मेक श्योर दैट यू डू अ प्रॉपर रिकंसिलिएशन बिटवीन द 2A, 3B एंड ITC रजिस्टर विद 8A एंड GSTR 9 एंड 9C। अब दोस्तों, जिनका टर्नओवर रिक्वायर्ड लिमिट से ज्यादा है, जिनको 9 और 9C भरनी है, 9 के लिए 2CR से ज्यादा और 9C के लिए 5CR से ज्यादा, ठीक है, तो दे शुड एंश्योर कि आपका जो बेसिक आपका जो टर्नओवर है वो प्रॉपरली आपका मैच हो रहा है बुक से। तो अल्टीमेट पर्पस जो रहता है ना हमारे रिकंसिलिएशन का, दैट इज कि आपकी जो बुक्स हैं, यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, आपकी बुक्स आपके पोर्टल से मैच हो चाहिए। अगर बुक्स मैच हो जाएंगी तो दैट मींस आपने जो इनकम टैक्स में भी अल्टीमेटली जो डिटेल दी होंगी या कंपनीज की साइट पे MCA में जो डिटेल दिया होगा वो सब आपके GST पोर्टल से मैच करेगा, तो अननेसेसरी आप पे कोई समन आएगा ही नहीं बिकॉज आपका तीनों जगह सेम डेटा है, करेक्ट डेटा है, जेन्युइन डेटा है, तो आपके पर कोई परेशानी नहीं आएगी। और कोई भी नोटिस अगर आता है तो आप इजिली उसको सही तरीके से आप उसको रिप्लाई कर पाओगे। तो इनपुट, क्योंकि इसको लेके गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एप्रिहेंशन रखती है, काफी ज्यादा लोग इनपुट का ही फ्रॉड करते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स इवेजन करते हैं,
तो इट इज बेटर कि आप उसको रिकनसाइल करें. रिकनसिलेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन जीएसटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेक श्योर कि आपके ई वे बिल भी रिकनसाइल हैं. अगर आपने कोई परचेज करी है तो उसके रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड जितने भी आपके ई वे बिल्स है वो आपके पास होने चाहिए. या अगर आप सेल भी करते हो तो सेल के भी आपके पास ई वे बिल्स, अगर उस पे पर्टिकुलर ई वे बिल एप्लीकेबल है उस थ्रेशोल्ड लिमिट पे, उस अमाउंट पे, तो आपके पास उसका भी ई वे बिल होना बहुत जरूरी है. यानी आपके अल्टीमेटली बुक्स जो है प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए. इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, कंप्यूट द एंटाइटलमेंट ऑफ आईटीसी विद रिस्पेक्ट टू द वेंडर रजिस्ट्रेशन स्टेटस. दैट इज वो जो आपका वेंडर है क्या वो एक्टिवली रजिस्टर्ड है, क्या उसकी रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गई है, वो अननेसेसरी फेक बिलिंग करे जा रहा है और आप उसका इनपुट लोगे तो अल्टीमेटली परेशानी आपको होगी. तो मेक श्योर कि आपका वेंडर जेन्युइन हो, वो एक्टिव हो, ठीक है. और एक चीज और दोस्तों, ये आपका बेसिकली थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच में बात करूंगी. आपको मैंने हमेशा अपनी वीडियो में पहले भी ये चीज को मेंशन किया है, जब आप जीएसटी पोर्टल पर जाते हो वहां पे आपके पास सर्च टैक्स पेयर का ऑप्शन आता है, आप उसमें पैन से, जीएसटी नंबर से, ठीक है, या अगर वो कंपोजिशन डीलर है तो आप बेसिस दैट आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि जो आपका सप्लायर है क्या वो रेगुलरली रिटर्न्स भर रहा है, क्या वो एक्टिव है उसकी रजिस्ट्रेशन या कैंसिल हो गई है. और अगर मैं फर्दर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करूं तो क्या उसने बेसिकली आधार, अपनी आधार लिंकिंग कर रखी है कि नहीं, वो सब आपको वहां पे मेंशन होता है. तो आप उस एरिया से आप ये चेक कर सकते हो कि आप जिस वेंडर से डील कर रहे हो वो जेन्युइन है भी या नहीं है. अगर वो जेन्युइन नहीं है तो स्टॉप डूइंग बिजनेस विद दैट पर्टिकुलर वेंडर एंड मेक श्योर कि आप जेन्युइन बोनाफाइड वेंडर्स के साथ ही डील करो. बिकॉज इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो आप पे लायबिलिटी आ सकती है वो इनपुट रिवर्स करने की विद इंटरेस्ट एंड विद पेनल्टी. इसी के साथ साथ सेकंड पॉइंट क्या आता है कि अब जो आपने परचेजेस करी अपने सप्लायर को, तो आपको इंश्योर करना है कि 180 डेज में आप उसकी पेमेंट कर दो. अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो जो आपने आईटीसी पहले क्लेम किया उस पर्टिकुलर परचेज का, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, दैट टू विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स आप जिससे भी परचेज करोगे आपको 180 डेज में उसकी पेमेंट करनी है, कंप्लीट पेमेंट. अगर आप नहीं करोगे आपका इनपुट रिवर्स होगा. और इस तरह के नोटिस बहुत ज्यादा आते हैं. अगर आपके नोटिस नॉर्मली ऑडिट के रिस्पेक्ट में भी आते हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के साइड से, तो भी ये बहुत ही बेसिक चेक है जो ऑफिसर्स करते हैं. 180 डेज में पेमेंट हो जाना चाहिए. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, सपोज आप डील कर रहे हो शूज में और आप परचेजेस ले रहे हो समवन हु इज डीलिंग इन ड्राई फ्रूट्स, हाउ इज दैट पॉसिबल? वो आपके बिजनेस से कैसे लिंक्ड है? आप तो शूज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और आप दिखा रहे हो इनपुट आपके पास आ रहा है बेसिकली ड्राई फ्रूट्स का. तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा जिस भी सप्लायर के साथ आप डील कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया सर्च टैक्स पेयर्स में आप चेक करोगे तो वहां पे वो मेंशन करता है कि वो पर्टिकुलर सप्लायर कौन कौन से एचएसएन या एसएसए में डील कर रहा है, क्या वो आपसे रेलेवेंट है, क्या वो गलत तो नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है. वहां से आप उस चीज को वेरीफाई कर सकते हो. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या होता है कि जब ऑफिसर इन बेसिक पॉइंट्स को चेक कर लेता है तो उसके बाद वो कई बार आपसे आपका स्टॉक रजिस्टर भी मांगता है. अगर आप जॉब वर्क कराते हो तो जॉब वर्क रजिस्टर भी मांगता है और भी बहुत सारी और आपकी डिटेल, आप कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो, क्या आपका प्रोडक्शन है, क्या और आपके एक्सपेंस लिस्ट क्या है, आपके बैलेंस शीट्स क्या है, आपके और रिकॉर्ड्स क्या है, वो सब चीजें मांग सकता है. तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके ऑफिस में आपके रिकॉर्ड्स हमेशा आपके पास होने चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे वो आपके फिजिकल फॉर्म में हो, but they should be present with you at every point of time and they should be updated. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पुराना हो या वो updated ना हो. It is better practice कि आप इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें. Next is अब रिवर्स चार्ज mechanism. इसको लेके लोग बहुत ज्यादा lenient है. फ्रेट आप पे करते हो, आप उसमें रिवर्स चार्ज नहीं लगाते हो क्योंकि मे बी आपका जो बेसिकली GTA है वो आपका RCM में पे नहीं कर पा रहा है या वो रजिस्टर्ड नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज में वो नहीं पे कर पा रहा है. तो यू मस्ट मेक इट अ हैबिट, अगर आप मंथली इनवॉइस रेज कर रहे हो या आप टाइम टू टाइम रेगुलर डेली बेसिस पे कर रहे हो, वीकली बेसिस पे कर रहे हो, तो आपका इनवॉइस रेज होना चाहिए, सेल्फ इनवॉइसिंग होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आपका रिवर्स चार्ज में टैक्स पेड होना चाहिए. तो ये आपके चेकलिस्ट है बेसिकली जो दोस्तों ऑफिसर्स चेक करते हैं. अगर ये आप पहले से ही सही करके चलोगे अपने रिकॉर्ड्स में, अपने बुक्स में, अपने ऑफिसेज में, तो आप पे नोटिसेस आएंगे नहीं और अगर आएंगे तो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे. तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है. सेकेंडली इसके बाद जो आता है बेसिकली सेवन पॉइंट, यहाँ पे क्या आता है, आपका टैक्स इनवॉइस में क्या आप सही डिटेल्स दे रहे हो.
दे मे आस्क यू टू प्रोड्यूस अ रीजनेबल नंबर ऑफ इनवॉइसेस टू वाउच फॉर द कंटेंट ऑफ द टैक्स इनवॉइस. क्या आप सही से कोड लिख रहे हो, टैक्स रेट सही लगा रहे हो, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो मेंशन कर रहे हो, जीएसटी नंबर आप मेंशन कर रहे हो, एड्रेस आप मेंशन कर रहे हो या नहीं, वो यानी आपके टैक्स इनवॉइस के जो पर्टिकुलर्स है वो आपके चेक कर सकते हैं. बिसाइड दैट दे मे ऑल्सो डू द ईवे बिल मैपिंग, जो मैंने आपको पहले बताया कि ईवे बिल आपके परचेज और सेल के रेस्पेक्ट में अप टू डेट होने चाहिए, आपके पास हैंडी होने चाहिए. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 8, वो आता है एक्यूमुलेटेड आईटीसी, ineligible ITC, non-reversal of ITC in case of exempted goods as well as RCM supply, cancellation of EWA bill and the proof of delivery of goods is always a matter of concern. अब proof of delivery के लिए दोस्तों ये हो सकता है कि जो आपका warehouse है, अगर आपने goods receive किए हैं तो accordingly जो stock register आप stock in stock out maintain कर रहे होगे वहाँ पे आप add कर दोगे, entry आ जाएगी आपकी, और EWA bill से भी वो substantiate हो जाएगा, आपका stock count से भी आपका substantiate हो जाएगा. सेम वेज अगर आप सेल कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली आपका स्टॉक आउट में आ जाएगा वो चीज. साथ में आपको रूल 42-43 का हमेशा कंप्लायंस करना है कि अगर कोई चीज प्रोपोर्शनेटली रिवर्स होनी है, कोई चीज आप बिजनेस में नहीं यूज कर रहे तो उसका इनपुट आप नहीं ले सकते हो. एग्जेम्प्ट सप्लाईज का कोई परचेज है तो उसका आप इनपुट नहीं ले सकते हो, ये चीजों को आपको इंश्योर करना पड़ेगा. देन यू मस्ट हैव अ बैकअप कैलकुलेशन शीट फॉर GSTR 3B. अब आप देखोगे GSTR 3B इज नथिंग बट इट इज कंसोलिडेटेड फिगर्स कि आपकी टोटल परचेज क्या है, कितनी सेल है. तो इसके जो कंसोलिडेटेड फिगर के पीछे जो आपने बेस रखा था, जो आपने बेस यानी जितनी आपकी टोटल सेल्स है, परचेज है, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, बैकअप कैलकुलेशन, जिस कैलकुलेशन पे आपने वो फिगर्स डिराइव की, वो कैलकुलेशन हमेशा आपके पास होने चाहिए ताकि आप उसको बेसिकली जब भी आप मैच करो, रिकनसाइल करो, तो आपके पास रिकनसाइल रहे. एंड लास्ट 10th पॉइंट इज मेक श्योर अगर आप पे इसके बावजूद भी अगर आप पे नोटिस आ जाता है तो वो नोटिस या समन का रिप्लाई आपको विद इन टाइम करना है, आपको टाइम के बाद नहीं करना, ताकि आपका बोनाफाइड आपका जेन्युइननेस जो है, बेसिकली जेन्युइन हो आप, ये चीज ऑफिसर को समझ आए, ऑफिसर इस चीज को देखे और अकॉर्डिंगली आगे जो और क्वेरीज हैं या अगर उसको वहीं उसी स्टेज पर रिजॉल्व हो जाता है, बिकॉज आपका अगर कंप्लायंस कंप्लीट होंगे तो आपका ड्रॉप भी कर सकता है वो इस तरह से प्रोसीडिंग. तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये 10 पॉइंट्स आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहे होंगे. अगर आपके साथ हेल्पफुल रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और एल्स आप मेरे मेल आईडी जो नीचे आपके कॉमेंट बॉक्स में दिया हुआ है वहां पे आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.